एक आध रुपए नहीं, 2 लाख रुपए के सप्लीमेंट खा चुके हैं मेरे भाई, 2 लाख रुपए के। वाह। और भैया कह रहे हैं भैया रिजल्ट आता ही नहीं है, और अभी भी कुछ खा के ही आए हैं। ये बता रहे हैं कि 4 दिन पहले को सप्लीमेंट छोड़ा है इन्होंने, 1600 रुपए का सप्लीमेंट लिया, और भैया वजन भी बढ़ गया है इनका। और मतलब देख रहे हैं गाल, ये जो देखो ये यहां से जो है ये चिक बोन के यहां से बिल्कुल ढपोरे भी बन रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, वो भी बन रहे हैं। मतलब बढ़िया रौनक आ रही है यार। मैंने कहा भैया फिर तुम यहाँ क्यों आए हो सप्लीमेंट्स मिला? अब जरा भैया से पूछ लेते हैं, स्पेशल कोसी से आए हैं पलवल आउटलेट। तो भैया का बहुत बहुत स्वागत है यार, तो इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। और भैया 2 लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए यार? 2 लाख रुपए में तो ऐसी बॉडी बने जिसे देखने दिखाने लायक। नाम आपका? विवेक रावत। कहाँ से हो जी? मैं कोसी से। कोसी से भैया 2 लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए? कहाँ कहाँ खर्च कर दिए? क्या क्या ले लिया ऐसा? मैंने चूरन चटनी और गेनरों में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। भाई ऐसे कब से खा रहे हो यार आप? मैं 11वीं में था जब से खा रहा हूँ। तो मतलब ऑलमोस्ट कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, चूरन खाया, चटनी खाया, गेनर खाया, सब खाया। अच्छा भैया फिर रिजल्ट कहाँ है उनके? रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है? जब खाते हैं तब आता है, फिर उसके बाद खत्म। जब खाते हो तब तक आता है, उसके बाद खत्म? खत्म। और भाई फिर तुम फिर दोबारा वही खरीद लेते हो क्यों? वो मन नहीं मानता है ना। हाँ, दिल है के मानता नहीं, भैया का मन नहीं मानता है। और भैया अभी लास्ट बिल्कुल क्या खा के आ रहे हो आप बताना जरा? चूरन चटनी। चूरन कितने रुपए का चूरन था? 1600। 1600 रुपए का चूरन, फिर क्या हुआ जी उससे? वजन बढ़ा। वजन बढ़ा, भूख भी बढ़ी। अरे वाह 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 वाह, वजन बढ़ा है, भूख भी बढ़ी है। तो भैया फिर तुम जब वजन बढ़ गया उससे भूख बढ़ गई, फिर अब यहाँ क्यों आए हो यार? वो खत्म हो जाएगा मुझे पता है। मतलब तुमको पता भी है ये बात? वाह यार, भैया को पता भी है ये बात कि वो खत्म हो जाएगा, फिर भी बार बार खाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो इसमें भी कोई दोहराई नहीं, आपने चूरन खाया, शरीर फूल गया, सब तारीफ करने लगे, अब छोड़ते फिर फुस, फिर मन करेगा यार दोबारा ले लूं। ये एडिक्शन भी डालते हैं, मतलब लत लगाते हैं अपनी। पर यहाँ पर बहुत शुक्र की बात है भैया को कुछ नहीं हुआ। वो ग्वालियर वाली वीडियो देखी थी आपने? देखी थी। ग्वालियर में एक भाई चूरन चटनी खाया था, लीवर किडनी में इन्फेक्शन हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया, और 15 दिन बाद भाई जान से हाथ धो बैठा। तो भाई आप मत खाना, भाई ने तो खाली, भाई किसी को खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। मैं बार बार हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपसे कि भैया चूरन चटनी, स्टीरॉइड्स, XYZ इनसे दूर रहो यार। अगर लेना है तो ओरिजिनल सप्लीमेंट लो, बजट नहीं है तो सप्लीमेंट ही मत लो, डाइट ले लो, सत्तू पी लो, गन्ने का जूस पी लो यार, चने खा लो, छोले खा लो, उनसे ही बॉडी बन जाएगी। अरे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे तब ये सप्लीमेंट तब थोड़ी चलते थे, तब वो कैसे बॉडी बनाते थे भाई? घर की डाइट से बनाते थे, बढ़िया वर्कआउट करते थे, आराम करते थे। पर आजकल इनका ट्रेंड इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि भैया किसी पे टाइम ना है अब ना तो मतलब जो है खाने पीने का टाइम ना कुछ, तो इसलिए फटाफट इनको गोला और पी लिया। ये खराब नहीं है, आपके काम को आसान ही कर रहे हैं, पर भाई लो ओरिजिनल और सप्लीमेंट्स वाला से। तो भैया अब आप कितने का बजट बना के आए हो यहाँ पे? 6000। 6000 रुपए भैया जेब में लाए। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या कोई ऐसी शॉप मिलेगी, सप्लीमेंट्स वाला तो परिवार है, तो शॉप नहीं है तो फैमिली है, आपको क्या ऐसी कोई शॉप मिलेगी जहां पर कस्टमर जाए पैसे लेके और शॉपकीपर जो है मतलब दुकानदार जो है उसके पास माल भी अवेलेबल है और वो उस कस्टमर को कहे कि माल अभी मत लेना, 2 महीने बाद लेना, ऐसी कोई शॉप मिलेगी? ऐसी कोई शॉप नहीं मिलेगी, वो कुछ ना कुछ दे ही देगा। सुन लो यहाँ पर, कुछ ना कुछ दे ही देगा, पर ये शॉप नहीं है, मतलब वैसे तो शॉप है पर ये परिवार है, इसलिए मैंने इनको कोई सप्लीमेंट नहीं दिया। दोस्तों अगर चूरन चटनी आपने खा लिया है और जस्ट अभी 1, 2, 3, 4, 5 दिन हुए हैं आपको, तो आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना जब तक वो चूरन चटनी का असर डाउन ना हो जाए। इनका अभी ये जो ये गाल इनके फूले हैं ना, ये अभी डाउन जाएंगे, इनका वजन डाउन जाएगा और इनकी भूख भी डाउन जाएगी, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा इनको कोई सप्लीमेंट देना है नहीं देना। क्योंकि चूरन चटनी से जो रिजल्ट आएंगे आएंगे बहुत बढ़िया, जब खाओगे तो मजा आएगा, पर छोड़ते सब फुस है। तो इसलिए अब इनको कोई सप्लीमेंट मैं नहीं दूंगा। कोसी से स्पेशल आए, कोसी यहाँ से पड़ता है मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर तो है, बिल्कुल 50 किलोमीटर से आए। भैया के साथ मिलकर मतलब मुलाकात की, मुझे मजा आ गया, पर भैया मैं इनको खाली हाथ यहाँ से भेजूंगा। भैया कह रहे हैं भैया फिर मेरे घर वाले कहेंगे अरे तू गया भी लेके नहीं आया, तो मैंने बोल दिया भैया को, मेरे घर वालों को बोलना कि मैं अपने घर पे ही गया था, वहां जेन्युइन सलाह मिलती है, वहां सेल का गोल नहीं है, सप्लीमेंट्स वाला का कभी सेल का गोल नहीं है और ना होगा कभी। तो इसलिए भाई आज तो इनको वापस भेजूंगा खाली हाथ, जब इनका असर खत्म हो जाएगा, मतलब चूरन चटनी का जो असर आया हुआ है, बल्कि असर नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा साइड इफेक्ट जो आए हुए हैं, क्योंकि लीवर पे अननेसेसरी प्रेशर उसने बनाया हुआ है, इस टाइम ये LFT कराएंगे तो LFT में गड़बड़ आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं। तो जब तक वो ठीक ना हो जाए उसमें कम से कम आपका जो है 20 से 25 दिन या महीना भर लग सकता है, और फिर इनको सप्लीमेंट दूंगा मैं आज खाली हाथ। तो भैया मुझे बताओ कोई सेल वाली बात लगी? नहीं लगी। जो बात वीडियोज में सेम कुछ अलग? सेम सेम है।
और सेम ही रहने वाली है, क्योंकि मेरा गोल कभी सेल का ना था, ना है, ना होगा। मेरा गोल है आप सब लोगों का ख्याल रखना, और वो मैं रख रहा हूँ और रखता रहूंगा। और ध्यान रख लो 21 अप्रैल की ओपनिंग है, 21 अप्रैल रविवार को सुबह 10 बजे। मैं पूछूं जरा भाई से, विवेक कहाँ ओपनिंग पता है? बरेली में। बरेली उत्तर प्रदेश। भाई तुम आ रहे हो? मैं कोशिश करूंगा आने की। भाई तो कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश से बरेली तो भाई मेरे हिसाब से पड़ेगा 300-400 किलोमीटर। बहुत दूर है। बहुत दूर है, कोशिश से बरेली दूर है। पर भाई बरेली और बरेली आसपास वालों, आप मत चूक जाना, क्योंकि आपका अपना आउटलेट ओपन होने जा रहा है और बरेली से सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए वहां ओपन होने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आप मत चूकना, आपको जरूर आना है बरेली आउटलेट ओपनिंग में। मालाओं से और गिफ्टों के साथ भाइयों का स्वागत होगा, खाने पीने का पूरा इंतजाम, वो तो आपको पता ही, हर आउटलेट की ओपनिंग आप देखते भी हो वीडियो, पूरा इंतजाम आपको लगेगा। घर के फंक्शन में लगेगा क्या, आपका घर का फंक्शन ही है यार, आपके आउटलेट की ओपनिंग है, तो आना है आपको, तैयार रहना। आज भैया को अलविदा कर रहा हूँ, खाली याद, अगली बार मिलूंगा इनसे। ये वीडियो स्पेशल इसलिए बनाई है मैंने, आप सोचेंगे कि भैया ना प्रोडक्ट दिया ना कुछ दिया, वीडियो बनाई क्यों, इतनी देर आपने जो लेक्चर दे दिया तो क्यों बनाई है वीडियो, इसलिए बनाई है। भाई चूरन चटनी मत खाओ, अगर खाने तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट्स विला से, तो आइए सप्लीमेंट्स ला। आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, आपका वजन नहीं बढ़ रहा, मास गेनर लो, भूख नहीं लग रही, गट पावर लो, जो मसल साइज बढ़ाना है तो आप जो है प्रोटीन लो, ओरिजिनल लो, सप्लीमेंट्स ला से लो। तो ऑर्डर करने के दो तरीके, पहला तरीका भैया की तरह आ जाओ सप्लीमेंट्स ला। और भैया बहुत सारे भाई पूछते हैं भैया आप किस दिन किस आउटलेट पर रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैंने वहां पर जो अपडेट डाल देता हूं जिस दिन जिस आउटलेट पर रहता हूं। 21 अप्रैल को तो हम मिल रहे हैं बरेली में, रविवार को, तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, छोटी छोटी अपडेट्स आपको आती रहेंगी। और जल्दी ही मुलाकात बरेली में, भूल मत जाना 21 अप्रैल। तो आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो दो तरीके, पहला तरीका आप सप्लीमेंट्स ला के आउटलेट विजिट करो, सप्लीमेंट्स ला के आउटलेट हर शहर में ओपन हो रहे हैं, तो जैसे भैया कोसी के नजदीक है, कोसी के नजदीक तो खैर मथुरा आउटलेट भी है, पर मथुरा सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, पलवल सप्लीमेंट्स ला आउटलेट आ सकते हैं, अलीगढ़ सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, गाजियाबाद सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, मेरठ सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, सहारनपुर सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, लुधियाना सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, आगरा सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, ग्वालियर सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, कानपुर सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, लखनऊ सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, जयपुर सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, दिल्ली कालकाजी सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, दिल्ली रोहिणी सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं, गुरुग्राम हरियाणा सप्लीमेंट्स ला आउटलेट जा सकते हैं। और 21 अप्रैल को ओपनिंग हो जाएगी बरेली, तो बरेली जा सकते हैं। उसके बाद में मतलब जो है पटना बिहार का भी नंबर है। बहुत सारे भैया कह रहे हैं कोसी आउटलेट डाल लो, भाई कोसी नजदीक है यार, और रोड एकदम चकाचक है, चकाचक रोड है ना, बिल्कुल रोड चकाचक रोड है भाई, आधा घंटा लगता है मेरे साथ, बिल्कुल आधा घंटा लगता है यार। मथुरा भी जा सकते हो और पलवल भी आ सकते हो, तो आउटलेट डालेंगे सब जगह डालेंगे, पर धीरे धीरे। तो अगली बार भैया से मुलाकात होगी जब इनका ये जो है ये गाल वाल थोड़े पिचक जाएंगे और इनका वेट भी डाउन हो जाएगा। अभी कितना वेट है? 60 किलो वेट है इनका, मतलब जो है आ जाएगा 54-55। बिल्कुल जी, तो भैया तब इनसे मुलाकात करूंगा, तब इनको सप्लीमेंट दूंगा। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो। नमस्कार।